गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माई डयर फ्रेंड्स टूडेज टेंथ ऑफ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फ्राइडे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पी टी एफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉग इन कर सकते हैं इसके अलावा आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं रिकमेंडेड प्लेस पीट है इस वीडियो की वन पॉइंट टू फाइव एक्स थॉट ऑफ द डे इज वेन यू चेंज योर थाट्स रिमेंबर टू ऑल्सो चेंज योर वर्ल्ड आज के मिंट पेपर की ये सात इम्पोर्टेंट न्यूज हेडलाइंस हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे तो पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर एक पर दिया हुआ है वो है सोनी पुश फॉर टॉप पोस्ट स्टॉल जी मर्जर टॉक्स अभी रिसेंटली हमने सोनी और जी मर्जर को लेकर के एक न्यूज़ कवर करी थी जहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि जो टॉप एग्जीटिव हैं जिनको पहले बाट कर दिया गया था टॉप की पोजिशन होल्ड करने के लिए उनको अलाउ कर दिया है रेगुलेटर्स ने उनको फ्री कर दिया है रेगुलेटर्स ने टॉप पोजीशंस होल्ड करने के लिए और प्रॉबली इस पर्टिकुलर डिसीजन के बाद जो सोनी और जी का मर्जर है वो मिस्टर गोइंग का मिस्टर चंद्रा जो है वो आगे लीड कर सकते हैं तो उसी कंटेक्स में ये न्यूज है टॉक्स ऑन और मर्जर और मेगा मर्जर बिटवीन जील और सोनी पिक्चर्स हैव स्टॉल ओवर द लेटर्स लास्ट मिनट डिमांड यानी सोनी ने डिमांड किया है कि जो की एग्जीक्यूटिव हैं जी के वो इस पर्टिकुलर मर्जर को स्पेशली मिस्टर गोइंग का जो है वो इस पर्टिकुलर मर्जर को लीड ना करें इसकी वजह से सोनी की इस डिमांड की वजह से इन दोनों कंपनीज का जो मर्जर है वो फिलहाल के लिए रुक गया है क्योंकि रिसेंटली गोइंग गोइंका पर मिस्टर का पर और चंद्रा पर कई सारे आरोप लगे थे जिसकी वजह से बी ने इनको बार कर दिया था लेकिन लेटर ऑन साठ ने उस ऑर्डर को नल एवॉइड करते हुए दोनों एग्जीक्यूटिव को अलाउ कर दिया था कोई भी की पोजिशन होल्ड करने से और इसके बाद ज़ील में मिस्टर गोयनका ने अपनी जो पोजिशन थी वो वापस से ले ली थी और इस ऐसे एंटिसिपेट किया जा रहा था कि अब वही इस पर्टिकुलर मर्जर को एग्जीक्यूट करेंगे लेकिन सोनी ने लास्ट मिनट में डिमांड करी है कि सोनी के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इस मर्ज एंटिटी को लीड करेंगे रादर देन मिस्टर गोयंका जैसा कि पहले एग्री हो किया गया था तो मिस्टर गोयंका पर जो एलिगेशन लगे हैं जो उनकी इमेज टार्निश हुई है उसको लेकर के सोनी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता इसीलिए सोनी ने ये डिमांड रखी है और ऐसे इंडिविजुअल जो कि इस पर्टिकुलर मैटर में अवेयर हैं उनका ये है कहना है कि सोनी की इस डिमांड की वजह से जो ये मेगा मर्जर था ये लास्ट मिनट में ये स्टॉल हो गया है रुक गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो 21 दिसंबर की डेडलाइन रखी गई थी इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए वो डेडलाइन बीच हो सकती है इक्कीस दिसंबर तक इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है मिस्टर गोइंगा को लेकर के प्रॉपरली वो रिजॉल्व नहीं हो सकता और ये इंटरटेन इंडिया के जो एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो बड़ा मेगा मर्जर था वो फ़िलहाल के लिए डी हो सकता है अच्छा एग्रीमेंट क्या किया गया था ये जो दोनों ही इंटरटेनमेंट जियान से इन्होंने एग्री किया था कि जो मिस्टर गोयंका हैं जो करेंटली एम हैं और सी हैं ज़ील के वो मर्ज एंटिटी में आगे आने वाले पांच सालों तक यही सेम पोजीशन होल्ड करेंगे यानी जो सोनी और ज़ील का जो मर्ज एंटिटी बनेगी उसके एमडी और उसके सीईओ मिस्टर गोयंका ही रहेंगे पहले ये एग्रीमेंट हुआ था जिसमें जो सोनी है वो फिफ्टी पॉइंट एट सिक्स परसेंट मर्ज एंटिटी का स्टेक को होल्ड करेगा जी के जो प्रमोटर हैं मिस्टर गोइंग का और उनकी फैमिली वो थ्री पॉइंट नाइन नाइन परसेंट होल्ड करेंगे और जो रिमेनिंग है फोर्टी फाइव पॉइंट वन फाइव परसेंट वो पब्लिक शेयर होल्डिंग में जाएगा तो ये डिसीजन या ये अरेंजमेंट हुआ था लेकिन अब सोनी ये कह रहा है कि मिस्टर गोयंका को मर्ज एंटिटी में ये पोजिशन नहीं दी जाएगी हालांकि एपलेट ट्रिब्यूनल से जो सेबी का ऑर्डर था उसके अगेंस्ट गोइंग को को रिलीफ दिया गया है लेकिन इसके बावजूद भी सोनी उस टार्निश इमेज को लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहता तो दिस इज ऑल अबाउट द अरेंजमेंट और अब इस अरेंजमेंट को लेकर के सोनी जो है वो रेडी नहीं है जिसकी वजह से ये मेगा मर्जर हॉल कर सकता है अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप इन क्रेड फिन टर्म्स इकेंड यूनिकॉन सो इन क्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज द लैंडिंग आर्म ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर्म्स इन क्रेडिट ग्रुप इन क्रेडिट ग्रुप की जो लैंडिंग आर्म है फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है उसने अप्रॉक्सीमेटली पांच सौ करोड़ का फंड रेज किया है और इस फंड रेजिंग के बाद

पर्सन ऑफ रिलीगल एंटरप्राइजेस उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है इन साइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उसको वॉयलेट किया है वॉट इज दिस इन साइडर ट्रेडिंग इन साइडर ट्रेडिंग इज बाइंग और सेलिंग अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी स्टॉक बाय सम मेटीरियल नॉन पब्लिक और मेटीरियल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी मतलब जो इन साइडर होते हैं कंपनी के वो कुछ इंफॉर्मेशन को लीक करके इंटेंशनली स्टॉक के प्राइस को मैनुपुलेट करते हैं नॉन पब्लिक मेटीरियल इंफॉर्मेशन इज एनी

हंड्रेड के स्मॉल मिड फॉर्म्स फ्लाउट जी एस टी इन वॉइसिंग रूल तो जी एस टी इन वॉइसिंग रूल्स जी एस टी टैक्स इनपुट क्रेडिट ये सारे जो रूल्स हैं ये बहुत टाइम से वॉलेट होते जा रहे हैं और टाइम टू टाइम हम इस न्यूज को कवर भी करते हैं और जी एस टी अथॉरिटीज़ इन रूल को वॉलेट करने के लिए कई सारे इन्वेस्टिगेशन भी करती हुई आ रही है रिसेंटली हमने न्यूज़ भी कवर करी है एनलिसिस में जहाँ पर एक्सपोर्टर्स ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेनिफिट को लेने के लिए फेक इन जनरेट किए थे और अगर आप रेगुलर हैं चैनल तो आपको पता होगा तो इस सारी इंफॉर्मेशन को बैकग्राउंड में रखते हुए हम आज की न्यूज को समझेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली एक लाख स्मॉल और मीडियम साइज जो बिजनेस हैं वो जीएसटी के इन वॉइसिंग रिलेटेड जो नॉम्स हैं ई इन्वाइसिंग यानी जो ई e बिल से रिलेटेड जो नॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक इन्वाइस से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उसको नॉन कंप्लाई कर रहे हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं अंडर जी एस जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है उन सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन सारे स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनका टर्न ओवर करोड़ से ऊपर है तो पाँच करोड़ के ऊपर के टर्न वाले जितने भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको ई इनवॉइस जनरेट करना है लेकिन पर रीसेंट इन्वेस्टिगेशन बाय जीएसटी अथॉरिटी अप्रॉक्सिमेटली एक लाख ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका टर्नओवर ओवर पांच करोड़ से ऊपर का है लेकिन इंटेंशनली वो अपना टर्नओवर लो दिखा रहे हैं या वॉइसिंग e रिलेटेड जो ई इन रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो नहीं करते ई इन वॉइस इन प्रोवाइड रियल टाइम एक्सेस टू इन वॉइस दैट आर प्रिपेयर बाई सप्लायर ऑन अ परचेज ऑफ गुड्स तो इससे क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस इलेक्ट्रॉनिक बिल जो जनरेट होता है उससे रियल टाइम आप किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सप्लायर्स की के बिल को अमाउंट को आप एक्सेस कर सकते हैं जिससे कि फास्टर इनपुट टैक्स से क्रेडिट जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है मतलब अगर आपने ई इन वॉयस जनरेट करी है तो आप ईजिली इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं और इससे क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक जनरेट करने से मैनिपुलेशन के भी जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करी जाती है और इसी पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम को मैनिपुलेट करने के लिए मैनिपुलेट करना मतलब कि हमने खरीदा भी नहीं है लेकिन फिर भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट इन सिंपल वर्ड क्या होता है कि जो हमने इनपुट लगाया है अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में उस पर जो हमने टैक्स दिया है उस टैक्स ले मतलब दिया है वो टैक्स आपको रिफंड हो जाएगा तो जब आपने रॉ मटेरियल खरीदा ही नहीं है इनपुट खरीदा ही नहीं तो आपको टैक्स रिफंड कैसे होना चाहिए तो इसके लिए क्या करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनवॉज फेक फेक जनरेट करते हैं और ये फेक इनवॉय

किया ही नहीं होता है तो इसी इन्वेस्टिगेशन में एक लाख ऐसे बिजनेस जीएसटी अथॉरिटीज़ को मिले हैं और ऐसा रहा है, reported, 5 20, so, ऐसे जिनका 20 से, 50, 5 से 20 करोड़ का है ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा ये नॉन कंप्लाइंस देखने को मिला अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी से थर्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनका टर्नओवर इस रेंज में है वो ई कंप्लायस ई को के रूल को कंप्लाई नहीं कर रहे इन ऑर्डर टू गेट देयर इनपुट टैक्स क्रेडिट और इसी को लेकर के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीआईसी जो कि एपेक्स बॉडी है इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम की उसने ये थ्रेशोल्ड रिवाइज भी किया था और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं पहली बार आ रही है इससे पहले भी थी और इसीलिए थ्रेशोल्ड रिवाइज भी किया गया था तो लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है और okay, केवल well, जो एम हैं उनको इस ई e इन्वाइसिंग के जो क्लॉज से एग्जेप्ट किया गया है जिनका टर्न ओवर पाँच करोड़ से कम का है पाँच करोड़ से ऊपर के जितने भी बिजनेस हैं उन्हें ई इन्वाइस जनरेट करना पड़ेगा अपने सप्लायर से तो इसी को लेकर के जी एस अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन किया है इन ए नचल ई इन्वाइसिंग अंडर जी एस इज मैंडेटरी फॉर दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेंस वीच आर हैविंग एनुअल टर्न मोर देन फाइव करोड़ अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं वो नहीं कर रहे हैं कंप्लाई और अगर इसी पेनल्टी क्या है 100 परसेंट ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 थाउजेंड विच एवर इज़ हायर फॉर ईच इन्स हर एक इन्वॉइस पर 100 परसेंट जो टैक्स के के बराबर आपका ड्यू लगेगा या दस हज़ार जो ज़्यादा है वो टैक्स एप्लीकेबल हो तो ह्यूज पेनल्टी है इसके बावजूद भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो एक्चुअली ई इनवाइसिंग जनरेट नहीं कर रहे हैं ऐसा जीएसटी इन्वेस्टिगेशन में जीएसटी एस टी अथॉरिटीज के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फाइव दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर फोर ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड इंडिया वनरेबल टू रिकवरिंग फूड प्राइस शॉक्स से दास। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर मिस्टर शक्ति दास ने थर्सडे को बोला है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो अभी भी वर्नरेबल है फूड प्राइसेस से के इंक्रीज होने पर रिसेंटली हमने वेजिटेबल फ्रूट्स और अदर फूड ग्रेन के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखा था जिसकी वजह से हमारी जो सी पी आई बेस्ड इन्फ्लेशन थी वो सेवन का मार्क क्रॉस कर गई थी हालांकि अभी कुछ मॉडरेशन आया है बिकॉज ऑफ द सप्लाई साइड इफ़ेक्ट लेकिन हमारे जो आर के गवर्नर हैं उनका यह है कहना कि अभी भी जो इकॉनमी है वो वनरेबल है वी आर स्टिल वेरी वनरेबल और प्रॉन टूवर्ड्स द रिकरिंग एंड ओवरलैपिंग फूड प्राइस शॉक्स तो so, मॉडरेशन के बावजूद भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि अभी अभी हम इन्फ्लेशन से ओवरकम कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से एल लिनो का इंपैक्ट और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिल रही है प्रॉब्ली रबी क्रॉप जो है वो खरीफ क्रॉप जो है वो रबी क्रॉप जो है वो इम्पैक्ट करेगी और फूड सप्लाई जो है वो मार्केट में कहीं ना कहीं मॉडरेट होगी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन फिर से बढ़ेगी सो इन दीज सर्कमस्टांसिस वॉट आर बी आई कैन डू मॉनिटरी पॉलिसी रिमेन वॉचफुल एंड एक्टिवली डिसफ्लेशनरी टू प्रोग्रेसिव अलाइन द इन्फ्लेशन इट मीन्स हम जैसा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन आगे बढ़ेगी तो उसी के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को भी डिस इन्फ्लेशनरी रखेगा एक्टिवली जो हमारा फोकस होगा जो मैंडेट होगा वो इन्फ्लेशन पर होगा अपकमिंग टाइम में इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन जिससे कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर सके तो एक सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन इंडियन इकोनॉमी जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्टडी टोक्यो और जापान में ऑर्गेनाइज किया गया था जहां पर इंडियन इकोनॉमी की वनरेबिलिटी को लेकर के रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर के जो हमारे आर के गवर्नर ने उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे और उन्होंने ये भी बताया कि आगे आने वाले टाइम में आगे आने वाले मंथ में आगे आने वाले क्वार्टर्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फोकस रहेगा वो डिस इन्फ्लेशन पर ही रहेगा एक्टिव डिस इन्फ्लेशन पर और मॉनेटरी पॉलिसी वॉचफुल रहेगी अभी हम ये नहीं कह सकते कि, कि अभी हम किसी भी तरीके से जो रेट हाइक है उसको रिड्यूस करेंगे तो लटा सी आगे क्या, क्या किस तरीके से इन्फ्लेशन मूव ऑन करती है और आरबीआई किस तरीके से अपने डिसीजन लेती है इसी के साथ एक और न्यूज है वो भी एसोसिएटेड है इन्फ्लेशन से ही रिलेटेड है यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं खरीफ क्रॉप प्राइजेस विल गाइड इन्फ्लेशन फाइट इन अपकमिंग मंथ जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो खरीफ क्रॉप है और रबी क्रॉप है ये आगे आने वाले टाइम में डिसाइड करेगी इनकी प्रोडक्टिविटी कितना इनसे प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर आउटपुट क्या होता है ये डिसाइड करेगा कि आगे आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन कैसे रहने वाली है सो सेंटर रिसेंटली रिलीज फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ खरीफ क्रॉप कौन कौन सी तुअर दाल हो गए कई सारे जो राइस मेज तुअर मूंग, उड़द इन सब का प्रोडक्शन इन सब का आउटपुट ये डिसाइड करेगा कि कितनी सप्लाई है मार्केट में इन फूड कमोलिटीज की और सप्लाई के बेसिस पर प्राइस डिसाइड होंगे सो so, लेट अस सी कि क्या एस्टिमेट्स आते हैं और एक्चुअल में कितना प्रोजेक्शन आउटपुट आता है एग्रीकल्चर आउटपुट और उसके बाद क्या प्रोडक्टिविटी रहेगी हालांकि चेन जो है वो निगेटिव ही एंटीसिपेट किया जा रहा है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड आईबीसी पर्सनल गारंटर्स गेट नो एससी रिप्राइव तो जो पर्सनल गारंटर होते हैं किसके केस में जो इंसॉल्वेंसी और बैंक जो, जो बैंक करप्सी के जो प्रोसीडिंग चल रही होती है किसी भी कंपनी में उसको जो पर्सनल गारंटर होते हैं उनको किसी भी तरह का रिप्राइव नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट कल सुप्रीम कोर्ट ने दिया किसके केस में आई बी सी बी सी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोर्ट में जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियरली बोल दिया है देर विड बी देअर विल नॉट बी एनी रिप्राइव टू पर्सनल गारंटर इनकेस Of default by any company which is going under insolvency and bankruptcy proceeding. केस किया था केस यह था कि पटिशनर्स ने चैलेंज किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आई प्रोविजन और स्पेशली कौन से प्रोविजन को चैलेंज किया गया था पर्सनल गारंटी को चैलेंज किया गया था जहां पर पटिश्नर्स ने उन्होंने बोला था कि पर्सनल गारंटर्स के जो असेट्स हैं वो ना अटैच किए जाए पर्सनल गारंटर की लाइबिलिटी ना अटैच करी जाए किसी भी कंपनी के डिफॉल्ट के केस के में किसी भी कंपनी के इंसॉल्वेंसी के केस में लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीधे सीधे शब्दों में रूलिंग दे दी है आई बी डज नॉट सफर फ्रॉम द

So, जितने भी प्रोविजंस हैं आई बी सी के रिलेटेड टू पर्सनल गारंटी वो सब कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है आप देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप नो प्लान टू तो चेंज बोर्ड आफ्टर रेलीगेयर बाई चेयरमैन जैसा कि अभी मिनट में डिस्कस किया कि जो बर्मन फैमिली है उसने एलिगेशन लगाए सालुजा पर कि उन्होंने इन साइड ट्रेडिंग करी है लेकिन फिलहाल बर्मन फैमिली हैज नो प्लान टू तो चेंज द एक्जिस्टिंग रेलगेर एंटरप्राइज बोर्ड आफ्टर द फैमिली ऑफर्स एक्वायर सम मेजोरिटी इज टेक इन फाइनेंशियल सर्विसेज तो फिलहाल के लिए रली गेयर के बोर्ड में कोई चेंज नहीं किया जा रहा क्योंकि रिसेंटली जो बर्मन फैमिली है उसने एक ऑफर भी दिया था कि वो मेजोरिटी सेल एक्वायर कर सकती है फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में तो डाबर चेयरमैन मोहित बर्मन ने एक वीडियो कॉल में बोला फ़िलहाल के लिए बर्मन फैमिली और के इस कॉल के बावजूद भी कोई भी हम बोर्ड में चेंज ऑफर नहीं कर रहे हैं बर्मन फैमिली ऑफर्स प्लान टू इन्वेस्ट एडिशनल कैपिटल इन रली गेयर लेकिन फिलहाल कोई भी ऐसा चेंज नहीं किया जा रहा है इवन आफ्टर द एलिगेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट एलिगेशन मेड बाय सम ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन आर ई एल जहां पर बर्मन फैमिली के कई सारे लोगों के नाम स्कैम में आए तो एक दूसरे पर एलिगेशन लग रहा है लेकिन फिलहाल इस एलिगेशन के बावजूद भी देर इज नो चेंज गोइंग टू हैपन इन रेलिग बोर्ड आप देख लेते हैं नेक्स्ट स्लिप एफ एम सी जी से पिक अप ऑन फेस्टिव बोर्थ जैसा कि एंटिसिपेट किया गया था कि एफ एम सी जी में जो स्लो डाउन चल रहा है प्रॉब्बली वो फेस्टिवल सीजन में रिकवर हो सकता है तो जो सेल ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें अक्टूबर के मंथ में हमें अपटिक देखने को मिला है एहड ऑफ दिवाली अकॉर्डिंग टू द रिटेल इंटेलिजेंस फ्रॉम बिजोम बिजोम का डेटा है और रूरल ग्रोथ भी जो कई टाइम से म्यूटेड थी फिलहाल रिकवर होना शुरू हो चुकी है और उसका रीजन कुछ नहीं है रीज़न सिर्फ यही है कि फेस्टिवल सीजन में जो डिमांड है प्रोडक्ट्स की चाहे वो बेवरेज हो कमोडिटी हो कन्फेक्शनरी हो होम केयर हो पैकेज फूड हो पर्सनल केयर हो सब में Approximately हमें इंक्रीज देखने, so, देखने को मिल रहा है एक्सेप्ट कमोडिटी और पर्सनल केयर तो प्रॉबली कुछ अपटिक देखने को मिल रहा है एफ सेक्टर में एफ सेक्टर में जो कि हमेशा बोला था कि एवर सेक्टर है इंडिया में इंडिया डिमांड ओरियंटेड इकोनॉमी और उसके बावजूद भी फिलहाल कुछ टाइम से एफएमसीजी सेक्टर जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा था या रिसेशनरी सिचुएशंस फेस कर रहा था अब देख लेते हैं नेक्स्ट सिर्फ एथनिक वॉलेंस टेक्स हैवी टोल ऑन मणिपुर इकोनॉमी तो जो ऑन गोइंग एथेनिक कंफ्लिक्ट चल रहा है मणिपुर में पिछले कुछ महीनों से उसकी वजह से जो मणिपुर की इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर रही है अगर हम जीएसटी कलेक्शन और अदर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को देखें तो हमें एक सिग्निफिकेंट डेकलाइन या कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के मंथ में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है मणिपुर की एक्टिविटी मणिपुर से वो अप्रॉक्सीमेटली उन्नीस परसेंट तक फॉल किया गया है फॉल हुआ है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो स्लो डाउन हो रही है जिसके जीएसटी कलेक्शन फॉल कर रहा है तो बिकॉज ऑफ दिस एथनिक वॉयलेंस दैट हैज टेकन प्लेस इन लास्ट कपल ऑफ मंथ इंपैक्टिंग द मणपुर अब देख लेते हैं नेक्स्ट इंडिया चैलेंज डेथ पेनाल्टी टू एट नेवी वेटरन कतार में जो आठ नेवी वेटर को आठ नेवी के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको जो डेथ पेनाल्टी दी गई है उसके अगेंस्ट इंडिया अपील फाइल कर सकता है इंडिया ने अपील फाइल करी है अगेंस्ट दैट डेथ सेंटेंस हैंडेड डाउन टू तो एट फॉर्मर पर्सनल तो मिनिस्ट्री ऑफ आफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये जानकारी दी है कि उसके इस पर्टिकुलर जजमेंट के अगेंस्ट अपील फाइल करी गई है और मिनिस्ट्री ने क्लियरली बोला कि मिनिस्ट्री इस इशू को हाई इंपॉर्टेंस या हाई प्रायोरिटी पर रख रहा है और जो कतार के जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ भी डेलीबरेशन में है ऑन दिस इशू ऑफ डेथ पेनाल्टी तो लेटर सी कि इंडिया और इस 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 कतार के बीच में जो ये इशू चल रहा है कैसे है और कब तक रिजॉल्व होता है अब देख लेते हैं नेक्स्टली डोमेस्टिक डिमांड टू कीप ग्रोथ आप मूडीज तो रिसेंटली हमने देखा कई सारी जो एजेंसीज थी जो कंसल्टेंसीज थी रिसर्च एजेंसीज थी उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी का जो रिवीजन है उसमें अप मूवमेंट किया है चाहे वो फिच हो चाहे वो अदर रेटिंग एजेंसीज़ हो और अगर हम बात करें मूडीज़ की तो मूडीज़ ने बोला है कि इंडिया में जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगी स्पेशली फेस्टिव सीज़न में जिसकी वजह से जो कंट्री का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो अनचेंज रखा है डाउनवर्ड रिविजन नहीं किया है अपवर्ड भी नहीं किया है अनचेंज रखा है यानी मूवीज़ ने कितना प्रोजेक्शन किया है एज़ पर मूडीज़ दो का जो इंडिया का जी है वो अप्रॉक्सीमेटली सिक्स पॉइंट से ग्रो करेगा और दो यानी जो अपकमिंग ईयर है अप्रॉक्सिमेटली सिक्स पॉइंट सेवन रहेगा अगर मूडीज की बात है तो मूडीज बेसिकली कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन करता है तो कैलेंडर ईयर को अगर हम देखें तो दो यानी इस कैलेंडर ईयर में सिक्स और दो में सिक्स का प्रोजेक्शन ग्रोथ प्रोजेक्शन किया है मूडीज ने रीजन बिहाइंड स्ट्रॉन्ग, रोबर्स्ट डोमेस्टिक डिमांड जिसकी वजह से जो टैक्स कलेक्शन है वो इंक्रीज़ करेगा ऑटो सेल राइज करेगी कंज्यूमर ऑप्टिमिज्म इंक्रीज़ करेगा क्रेडिट ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई रहेगी और इन सब का इम्पैक्ट अर्बन कंज़प्शन पर देखने को मिलेगा और जो इकोनमी है वो रिजिलियंट रहेगी एज पर द मूडीज रिपोर्ट ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक 2024 तो मूडीज ने 6.1, 6.7 का प्रोजेक्शन किया है फॉर तो कैलेंडर ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी और इसका जो रीजन कई सारे दिए हैं स्पेशली स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक और रोबोस्ट डोमेस्टिक डिमांड अब देख लेते हैं नेक्स्ट के स्मोक टावर नो सोल्यूशन सेंटर नॉट इन फेवर ऑफ मोर जॉन्ट एयर प्योरिफायर तो स्मोक टावर जो कि एक सोल्यूशन ऑफ़र किया था कई सारे एक्सपर्ट ने कि डेली और एन रीज़न में बड़े बड़े स्मोक टावर लगा दिए जाएं जो कि एयर प्योरीफायर की तरह काम करते हैं और जो एयर होती है उसको प्योरीफाई करके फ्रेश एयर रिलीज़ करते हैं तो उसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना ओपिनियन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो एयर प्योरीफायर है ये प्रॉबेबल और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है हम कितने भी एयर प्योरीफायर इंस्टॉल कर दें दैट इज़ नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द डेलीज और एन एयर क्वालिटी वेरी मच इफेक्टिव मेजर्स लिए जाने पड़े क्योंकि अगर हम प्रीवियस डेटा देखें तो 2021 से भी दो स्मोक टावर का इंस्टॉल किए गए हैं कई बार स्मोक टावर इंस्टॉल किए गए हैं लेकिन उनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें एयर क्वालिटी पर नहीं देखने को मिल रहा है तो सेंटर गवर्नमेंट फिलहाल इस पर्टिकुलर प्रोविजन या इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के फेवर में नहीं है गवर्नमेंट का एक्सपर्ट का कहना है कि इसके अलावा और इफेक्टिव मेजर्स लिए जाए तो सेंटर इज़ नॉट इन फेवर ऑफ इंस्टॉलिंग मोर जॉन्ट एयर प्योरीफायर क्योंकि उसको लेकर के जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ऑप्टिमिस्ट पॉजिटिव नहीं रहा है सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू हैव अ नाइस डे